हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है और सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से, क्योंकि जो विश्व कप की तैयारी है कहीं ना कहीं भारतीय टीम वनडे विश्व कप की तैयारी में झुक चुकी है। हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है शानदार तरीके से रहा, भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप भी किया। विराट कोहली फॉर्म में लगातार दिखाई दिए, 2 शतक भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाए हैं। ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और जिस अंदाज में ईशान किशन ने वापसी की है, शुभमन गिल ने जिस तरीके से आखिरी वनडे में शतक लगाया, ये तमाम चीज़ें जो हैं कप्तान रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं इस चीज़ का जरूर अंदाज़ा लग रहा होगा कि टीम जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने के लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन आप चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पहले ओडीआई में प्लेइंग 11 किस तरीके की है भारतीय टीम की, क्योंकि जब श्रेयस जो है उनके चोटिल होने की खबर आई, जब वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो सूर्य कुमार यादव के लिए कहीं ना कहीं एक खास मौका जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस फॉर्मेट में यानी वनडे फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव का बल्ला उस अंदाज में नहीं चला है, लेकिन उनके पास एक अहम और खास मौका होगा आज के मुकाबले में अपने बल्लेबाजी का अंदाज दिखाने में। भारतीय टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है मुकाबला जो है वो शुरुआती मुकाबला यानी पहला मुकाबला बहुत ही अहम होगा भारतीय टीम के लिए। अब बाकी के 2 मुकाबलों में किस तरीके से भारतीय टीम को खेलना होगा ये तय करने के लिए चलिए आपको प्लेइंग 11 बता दें। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग करते नजर आएंगे। उसके बाद विराट कोहली नंबर 3 पे शानदार बल्लेबाजी के लिए, तकरीबन 1 दशक से कह सकते हैं विराट कोहली नंबर 3 पे बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद नंबर 4 पे ईशान किशन होंगे, एक बार फिर से इनसे उसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उसके बाद नंबर आता है सूर्य कुमार यादव का, सूर्य कुमार यादव भी अपने खास अंदाज को दिखाने की कोशिश करेंगे। सूर्य कुमार यादव के बाद नाम आता है हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या के बाद वाशिंगटन सुंदर हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर होंगे वाशिंगटन सुंदर के बाद, शार्दुल ठाकुर के बाद कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज है और मोहम्मद शमी हैं। यानी यूजी चहल को लेकर रोहित शर्मा ने कहा है कि कोई अपडेट जो है रोहित शर्मा ने अब तक नहीं दिया है यूजी चहल के शोल्डर इंजरी को लेकर। इसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर को लेकर जरूर उन्होंने मैच के पहले कहा था कि हम जरूर चाहेंगे कि शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाएं और इसीलिए हम उनको प्लेइंग 11 में मौका देना चाहेंगे कि वो गेंद और बल्ले दोनों से ही परिस्थिति के अनुसार वो प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं। हार्दिक पांड्या T20 कप्तानी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में भारतीय टीम लगातार विजयी अभियान जो है वो जारी रख रही है सीरीज में। ऐसे में देखना होगा कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पर क्या भूमिका आज के मुकाबले में निभाते हैं, उसके साथ ही शार्दुल ठाकुर का क्या अंदाज रहता है आज के मुकाबले में, क्योंकि उमरान मलिक नहीं होंगे तो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद समी पे तेज आक्रमण की जो है बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर जो है वो भी होंगे, तो कहीं ना कहीं टीम को एक प्लेइंग 11 के तौर पे कह सकते हैं कि एक परफेक्ट प्लेइंग 11 जो है स्क्वाड से निकलकर आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। और तमाम अपडेट्स जो है हम आपको लगातार NDTV स्पोर्ट्स पे देते रहेंगे। आपको ये अपडेट कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।